प्रदेश में लॉकडाउन है और धारा 144 लगी हुई है। बावजूद इसके बेवजह सड़कों पर घूमने वाले भी कम नहीं है, लेकिन अब पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी है। साथ ही वे खुद अपने आप में शर्म महसूस करें, इसके लिए झुंझुनू की मुकंदगढ़ पुलिस ने एक नया रास्ता अख्तियार किया है, जिसे देखकर आपको भी शर्म आ जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। एसपी जेसी शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन और धारा 144 का उल्लंघन करने वाले 24 जनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब तक करीब 40 जनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मंगलवार को 73 वाहनों को जब्त तथा 13 वाहनों के खिलाफ चालान काटे गए हैं। सबसे ज्यादा दिलचस्प तस्वीर सामने आई मुकंदगढ़ से, जहां पर थाना अधिकारी रामस्वरूप बराला ने 8 जनों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके हाथों में तख्तियां देकर कि मैं समाज का दुश्मन हूं, मैं घर पर नहीं रहूंगा, देखकर उनकी फोटोएं लगाई। मुकंदगढ़ पुलिस ने कस्बे से गोपाल और साबुद्दीन तथा डुंडलो से हासम इमरान, अल्ताफ रफीक, साजिद तथा वासित को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि अब तक सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी वायरल करने पर उधमपुर वाटी, खेतड़ी और नवलगढ़ पुलिस ने 2-2 जनों को गिरफ्तार किया है। वहीं क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन को तोड़कर बाहर घूमने पर एक संदिग्ध कोरोना मरीज के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा पुलिस लगातार लोगों को समझाइश कर रही है और समझाइश करने के बावजूद भी कुछ जगह लोग इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, वहां प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पिछले 4 दिन की कार्रवाई में पुलिस ने इस जिले में एक मुकदमा दर्ज किया है। जो व्यक्ति क्वारंटाइन कर दिया गया था, उसके बावजूद वो जगह छोड़ के भग गया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसको वापस हॉस्पिटल में एडमिट करा के उसको निगरानी में रखा जा रहा है। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, उनको चिन्हित करके और ऐसे 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पाबंद कराया गया है। इसके अलावा पिछले 3 दिन में लॉकडाउन को लागू करने में जो व्यवस्थाएं लागू करने में लोग बाधा बन रहे थे, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कुल 40 लोगों को 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया है पिछले 3 दिन में। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है और पूरे जिले में आज की कार्रवाई है जिसमें 73 दुपहिया और चौपहिया वाहनों को जब्त किया गया है, जो कि बिना कारण से इधर उधर घूम रहे थे, उनको एमवी एक्ट के तहत जब्त किया गया है और लगभग 20 चालान भी किए गए हैं पिछले 2-3 दिन में। इधर एसपी जेपी शर्मा ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को मजबूत किया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने और सही जानकारी पर सही एक्शन लेने के लिए अब कंट्रोल रूम में 3 सीआई स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है, जो शिफ्ट में ड्यूटी देंगे। साथ ही उनके साथ ही अतिरिक्त जाप्ता भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जब पुलिस कंट्रोल का प्रशासनिक कंट्रोल रूम से भी समन्वयक रहेगा, ताकि सूचनाओं पर कानूनन व्यवस्था की दृष्टि से फैसले लेने में कोई देरी ना हो। झुंझुनू जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को देखते हुए पुलिस व्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। प्रतिदिन की रिपोर्टिंग के आधार पर लॉकडाउन को किस तरह प्रभावी रूप से जिले में लागू किया जाए तथा आम लोगों को परेशानी नहीं हो और जो व्यवस्थाएं सरकार ने की है उन व्यवस्थाओं के तहत आम लोगों की सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए किस प्रकार से लॉकडाउन को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, इस हेतु हमने मंथन किया और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हमने बहुत ही चाक चौबंद तरीके से लागू की है। आज से हमने पुलिस नियंत्रण कक्ष को भी प्रभावी रूप से उसकी व्यवस्थाएं शुरू की है और आज से हमने ये तय किया है कि पुलिस नियंत्रण कक्ष 24 घंटे शुरू रहेगा, जिसमें 8-8 घंटे की पारियां होंगी 3, प्रत्येक पारी का प्रभारी एक सीआई लेवल का अधिकारी होगा और उसको कंट्रोल रूम में एडिशनल जाप्ता भी उपलब्ध कराया गया है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिले में इस तरह की कोरोना वायरस को लेकर के किसी भी तरह की शिकायत, कोई सूचना, किसी भी पुलिस संबंधी एक्शन की जानकारी लेकर के और अधोहस्ताक्षर करता हूं, यानी मुझे और उच्च अधिकारियों को समय समय पर अवगत कराना और जिला पुलिस, जिला प्रशासन द्वारा अन्य जो नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं पब्लिक के रिलीफ के लिए, उनसे समन्वय स्थापित करके और पुलिस कार्रवाई को एक तरह से प्रभावी बनाना।
लॉकडाउन की पालना करने के लिए झुंझुनू जिले में 200 होमगार्डों का भी अब सड़कों पर ड्यूटी के लिए लगाया गया है। इसके अलावा दो आरएसी की कंपनियां भी काम कर रही है। वहीं पुलिस लाइन के जाब्ते के अलावा पुलिस अधिकारी भी लगातार गश्त कर रहे हैं। साथ ही 1 किलोमीटर एरिया में कर्फ्यू की पालना के लिए कुल 11 पॉइंट बनाए गए हैं, जिन पर भी 3 शिफ्टों में पुलिस कर्मियों की चौकस निगाहें हैं।